दिस इज बात लोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि किसी भी टेबल में पहले से जो टेबल बना हुआ है उसमें किसी नए डेटा को हम इंसर्ट कैसे करते हैं, या फिर टेबल में कोई पहले से कॉलम है, बहुत सारे कॉलम जो पहले से है उसमें किसी वैल्यू को हमें इंसर्ट करना है, जो वैल्यू हमें दिया गया है, तो कैसे हम क्वेरी लिखेंगे ताकि हम वैल्यू को उसमें इंसर्ट कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन टू आर्टिकल टेबल। एक टेबल दिया गया, इसका नाम क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल इसमें आपको क्या करना है, बहुत सारे डेटा को एंट्री करना है, जैसे आर्टिकल का जो कोड है उसके जगह पर आपको इतना एंट्री करना है, फिर आर्टिकल के नेम में आपको पेन एंट्री करना है, फिर आर्टिकल का जो रेट है आपको एंट्री करना है, फिर आर्टिकल का क्वांटिटी एंट्री करना है, और साथ ही साथ आर्टिकल किस क्लास का है, मीन्स हायर क्लास का है, लोअर क्लास का है, मिडिल क्लास का है, किस क्लास का है, उसको आपको एंट्री करना है। तो मैंने आपको इस पर भी बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है कि टेबल में कैसे इंसर्ट करते हैं डेटा को, और इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आपने अभी तक इंसर्ट स्टेटमेंट का डेफिनेशन वाला और एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और वहाँ देखिए इंसर्ट टेबल का वीडियो कहाँ है, उसको अच्छा से देखिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी देखिएगा फिर भी मैं आपको यहाँ समझा ही दूंगा। ठीक है, तो देखो, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन टू आर्टिकल, तो आपको क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। टेबल का नाम क्या है, आर्टिकल। तो इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इन टू, क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इन टू, कहाँ इंसर्ट करना है भाई, आर्टिकल टेबल में, तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इन टू आर्टिकल, इंसर्ट इन टू आर्टिकल। उसके बाद क्या इंसर्ट करना है, तो वैल्यूज, आपको वैल्यूज यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या इंसर्ट करना है, एक कोड, आर्टिकल का कोड, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आर्टिकल कोड, ये अल्फा न्यूमेरिक है तो इसको कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग में सिंगल इनवर्टेड कॉमा में, फिर कॉमा, फिर पेन लिखो, फिर आपको क्या लिखना है, 50, 50 नंबर है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, फिर 0, 0 नंबर है ऐसे ही लिख सकते हो, फिर बी, स्ट्रिंग है तो आपको क्या लिखना है, बी, आपको क्या लिखना है, इतना लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, आर्टिकल, इंसर्ट इनटू कीवर्ड लिखना है, लिखना है किसी भी डेटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट इनटू लिखना पड़ेगा, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेबल का नेम, तो इंसर्ट इनटू और टेबल का नेम हो गया, फिर आपको किसको इंसर्ट करना है, किस वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए वैल्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा, वैल्यूज, और जिस सिक्वेंस में हमारा डेटा है, जैसे पहले आर्टिकल कोड है, फिर नेम है, फिर ए रेट है, तो वैसे ही पहले आर्टिकल कोड, फिर ने आर्टिकल का नेम, फिर आर्टिकल का रेट, फिर आर्टिकल का क्वांटिटी और आर्टिकल का क्लास, मीन्स जिस सीक्वेंस में डेटा दिया गया है यहाँ उसी सीक्वेंस में मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। ये नहीं कि पहले आर्टिकल कोड है तो पहले मैं यहाँ पेन लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पेन लिख दूंगा तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में हमारा दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में हमें डेटा को इंसर्ट करना है। एक तरीका आपके पास ए है, ए हमारा क्या, पहला तरीका, आप ऐसे लिख दोगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम और वैल्यूज और सारा का सारा लिख दोगे, हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बहुत आसान है, क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, आर्टिकल, तो इतना तो लिखना ही लिखना है, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद इसका जो पैरामीटर्स है, जैसे आर्टिकल में क्या क्या है, तो एक कोड कॉमा, आर्टिकल का नेम कॉमा, आर्टिकल का रेट कॉमा, आर्टिकल का क्वांटिटी कॉमा, आर्टिकल का क्लास, पैरेंथेसिस बंद, क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू आर्टिकल टेबल का सारा जो स्कीमा है या जो एट्रीब्यूट है सबको लिख दीजिए, और फिर यहाँ लिखिए वैल्यूज, वैल्यूज, और जिस सीक्वेंस में आप लिखे हैं, पर आर्टिकल कोड लिखे हैं तो आर्टिकल कोड के क्या इंसर्ट करें इसकी जगह पर, 101, 101 लिख दीजिए, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्या लिखे, ए नेम लिखे हैं तो ए नेम में क्या है, पेन, तो उसके बाद पेन लिख दीजिए, फिर ए रेट है तो क्या लिखना है, ए रेट 50, 50 लिख दीजिए, फिर आपको एक क्वांटिटी है तो एक क्वांटिटी की जगह पर क्या है, 0, तो 0 लिख दीजिए, फिर कॉमा, फिर क्या है, एक क्लास है इसकी जगह पर क्या है, बी है, तो बी लिख दीजिए। ये आपके पास दो तरीका है, पहला में क्या है कि इंसर्ट इनटू आर्टिकल, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज आप डायरेक्ट लिख दीजिए जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में। दूसरा में क्या है कि इंसर्ट इनटू आर्टिकल, आर्टिकल जो टेबल है टेबल का नेम लिख दीजिए और सारा का सारा जो इसका एट्रीब्यूट है यहीं पर लिख दीजिए, एट्रीब्यूट यहाँ पर लिख दीजिए और जिस सीक्वेंस में आप एट्रीब्यूट लिखे हैं उसी सीक्वेंस में वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ आप एक आपको यहाँ फायदा मिल सकता है क्या,
कि आप यहाँ चाहें तो ए नेम पहले लिख सकते हैं। अगर ए नेम आप पहले लिख दिए हैं तो ए नेम का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, जैसे पेन है तो पेन यहाँ लिख दीजिए। मतलब जिस सीक्वेंस में यहाँ भी लिखना है उसी सीक्वेंस में इसका आंसर यहाँ लिखना है। जिस सीक्वेंस में आप पार्टिकल टेबल में पहले ए कोड लिखे हैं, ए नेम ए रेट लिखे हैं आर्टिकल टेबल में, सेम टू सेम उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू को पुट करना है उसी सीक्वेंस में। तो मैंने आपको दो तरीका बता दिया कि कैसे किसी भी टेबल में डेटा को या फिर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। काफ़ी आसान है, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है, और जो मुझे लगता है वो होता है। तो आपको समझ में आ गया है, अगर समझ में फिर भी नहीं आया है तो आपको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना है और दो बार तीन बार देखना है। क्यों? क्योंकि यार अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको भूलना मुश्किल हो जाएगा। आपके एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बोल देगा क्वेरी लिख के दिखाओ, एचआर आपसे बोल देगा ठीक है भाई, या फिर टेक्निकल राउंड इंटरव्यूअर बोल देगा ठीक है भाई मैंने आपको एक यहाँ टेबल दिया है, इसको कैसे आप इंसर्ट करोगे डेटाबेस में बताओ, तो आप फंस जाओगे। अगर आप नहीं जानते हो, आप जान रहे हो, तो आप इंटरव्यू के बैंड बजा दोगे। ठीक है, अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन टू कहाँ एम्प्लॉय टेबल क्रिएटेड ऑन डे टू, इस पर ध्यान नहीं देना है। एक टेबल है जिसका नेम क्या है एम्प्लॉय, इसमें इस डेटा को एंट्री कर देना है। काफ़ी आसान है, आप इसको होमवर्क के तौर पर कर सकते हो, होमवर्क आप इसको होमवर्क करो HW, या फिर मैं इसको बता ही देता हूँ क्या लिखना है। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, क्या वैल्यूज इंसर्ट करना है, यहाँ ई छूट रहा है वैल्यूज, सबसे पहले एम्प्लॉय ID, फिर क्या करना है नेम, तो त्रिलोकी इंडिया वाला जिस तरह नेम है वैसे ही इंटर करना है। क्यों? क्योंकि यार केस सेंसिटिव है स्ट्रिंग, वैसे ही करना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है सिंपल से वही छाप दें, 3456789, फिर सिटी क्या है पटना, आप इतना लिख दो। जैसे आप इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई वैल्यूज, जो वैल्यू दिया है जिस सीक्वेंस में दिया, पहले एम्प्लॉई आईडी है तो पहले एम्प्लॉई आईडी लिखाना पड़ेगा, उसके बाद नेम है तो नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद सिटी है तो सिटी लिखना पड़ेगा। जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा, तो ही आपका क्वेरी रन करेगा, तो ही आपका क्वेरी सही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लिखना है। अब मैं आपको होमवर्क क्या देता हूँ, मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि मैंने आपको सिर्फ आसान तरीका से लिखे यहाँ बताया है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और वैल्यूज। आपको क्या करना है, जो एम्प्लॉय टेबल जितना भी यहाँ कंटेंट है, जैसे एम्प्लॉय ID, ई नेम, ई कंटेक्ट नंबर, सिटी, सबको यहाँ लिखना है पैरेंथेसिस के अंदर, फिर वैल्यूज लिखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ दूसरा तरीका बताया हुआ है, दूसरा तरीका इस तरीका से आपको लिखना है और कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप जो भी सीख रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है। ये नहीं आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो हाँ सर मुझे तो समझ में आ रहा है, मुझे तो एकदम क्लियर हो गया सर, मैं तो इसकी बैंड बजा दूंगा, लेकिन जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया गया आप ही का बैंड बज गया। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है उसको चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि कोई भी मुझसे अगर पढ़ रहा है, मेरी वीडियो को देख रहा है, तो उसको चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ताकि मतलब कोई मुझसे पूछे तो समझा सके। ये नहीं कि सर पढ़ लिए और पता ही नहीं है, तो ऐसे नाम नहीं हंसाना है, आपको मेहनत करना है और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं तो कहूँगा यार जो DBMS का हमारा कोर्स है, DBMS या फिर जो C++ का, तो DBMS का कोर्स आप शुरू से देखो, शुरू से देखोगे आपको मज़ा जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिले, उनको रिकमेंड करो ताकि वो लोग भी आपका नाम लें कि आप कितना अच्छा कंटेंट को उनके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, आपका भी नाम होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।